मैं चल रहा था कि कैसी ये कंटिन्यू फ्रैक्शन से रियल नंबर फॉर्म कर रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो रूट फाइव के अंदर कितना रियल नंबर है, ये रूट फाइव कितना इंटीजर और कितना फ्रैक्शन है, तो 2 प्लस रूट फाइव माइनस 3 बाई 4 के अंदर कितना रियल पार्ट में कितना इंटीजर है कितना फ्रैक्शन है, तो 0 है और टोटल का टोटल फ्रैक्शन। माइनस 2.8 के अंदर अगर हम पूछे तो माइनस 3 प्लस 0.8। इस तरह की चीजों को हम डील कर रहे थे और ये हो गया था। अब आगे हम बढ़ते स्टार्ट करें तो हमारे पास में फ्रैक्शन के 3 पार्ट, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बता दिया गया था वो आपसे पूछते जाएंगे, हमको बताते जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन है, नंबर लाइन के 0 जो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। न्यूट्रल इंटीजर को जेड 0 भी हम लिखते हैं, इस साइड जेड नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। जेड नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर और जेड पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो दीज आर द थिंग्स। ऑड और इवन नंबर आप जानते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर कौन बताएंगे? इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एनीवन? इवन नंबर है स्टार्टेड विथ 2 0। पहला इवन नंबर 0। इवन नंबर हुआ है जो पेयर बना सके। इवन नंबर पहला 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, लाइक दैट। एट 2n फॉर्म में होता है, n इज होल। ऑड नंबर 1 3 5 एट 2n+1 फॉर्म में होता है, एन इज होल नंबर। फटाफट लिखते जाएंगे, वे हैव नो टाइम। एन दैट इज डिनोट्स द नेचुरल नंबर, सबको पता है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 डब्लू को होल नंबर, होल नंबर सबको पता 0 से, इसीलिए 2n में n जब 0 डालते हैं तो 2 × 0 = 0 नंबर रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लिया। प्राइम नंबर, वन कौन कहते कॉमन फैक्टर, ये दुनिया का हर चीज का फैक्टर है, वन को छोड़ देंगे तो सब हो जाएगा प्रॉपर फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन को रहने दीजिए, यानी नेचुरल नंबर में से वन को हटाइए, ये हो जाएगा प्रॉपर फैक्टर। अब आता है हमारे पास में प्राइम नंबर्स। एनीबॉडी, व्हाट इज प्राइम नंबर? 1 3 5 7 9 प्राइम नंबर हुआ है जिसको आप 9 नहीं फैक्टर नहीं निकाल सकते, जिसका प्रॉपर फैक्टर नहीं होता।
इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते, फैक्टराइज करने के लिए कॉमन फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे पांच को आप फैक्टराइज वन इंटू पांच करेंगे तो कॉमन फैक्टर हो गया, प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर फैक्टर आपके पास है नहीं, एक प्राइम नंबर, एक डज नॉट है, यानी प्रॉपर फैक्टर पांच है, तीन है, दो है, पारा प्राइम नंबर दो है, पांच के बाद कौन सा है? सेवन, सेवन, नाइन, सो नहीं, इलेवन, 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 थर्टीन, थर्टीन, सेवेंटीन, नाइनटीन, कंपोजिट नंबर 23, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो प्रॉपर फैक्टर रखता हो, it has proper factor. बोलिए पहला संख्या कौन सा, कौन बताएगा पहला संख्या? फोर, सिक्स, एट, नाइन, कंपोजिट बोला एकदम फास्टर चलते जाइए। देखिए प्राइम सर एक मिनट हो गया। यस सर, प्राइम नंबर में तीन तरह के प्राइम नंबर दिया है, नेशंस है, मीन प्राइम है, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम इसमें होता क्या है, नंबर्स के ऐसे ग्रुप को रिलेटिव प्राइम कहते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 12 और नीचे लिखा 47, 12 और 47 के बीच में कोई ऐसा फैक्टर है जो ये भी इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर, 12 बाई 47 कुछ कट होगा क्या? नो सर, ये रिलेटिव प्राइम कहलाता है, यानी आपस में ये एक रिलेशन डेवलप करता है प्राइम नंबर, तो इसमें दो ही नंबर होना जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी रह सकता है, जैसे 5, 8 और 27 कुछ ऐसा हमने ले लिया, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है नहीं है, तीनों मिलकर के रिलेटिव प्राइम। तीनों मिलके यानी कि तीनों को, तीनों में कोई कॉमन है, कट हो सकता है आपस में, कोई फैक्टर है क्या जो इसको कट कर दे, तो हमको यही देखना है यहाँ पर, कोई फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को आपस में कोई कॉमन निकाल सके, और जब कोई कॉमन निकालने वाला फैक्टर नहीं होगा दी आर नो रैंडम रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम, रिलेटिव प्राइम क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट आगे दिख नहीं रहे, रिलेटिव प्राइम के आगे जब हम बढ़ रहे हैं ट्विन प्राइम के, तो
two consecutive prime numbers having difference 2, not two consecutive prime numbers having difference 2. दो लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है उसको ट्विन प्राइम. यस 5 और 7 दोनों लगातार प्राइम नंबर, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस. और ऐसे बोलिए आपके पास है क्या ऐसे प्राइम? 21, 23, 21, 11 and 13, 17 and 19. तो आपको खोजना है 1 to 100 के बीच. आपके लिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्वेन प्राइम बिटवीन 1 to 100. आज का सवाल मिड सेनस पान प्राइम नंबर का तीसरा पार्ट है. मेसन्स प्राइम जो है उसका फॉर्म है 2n-1, यानी इस फॉर्म पे ये बेस्ड होता है. ऐसे कितने प्राइम नंबर है जो इस फॉर्म को फॉलो करते हैं? मैं जैसे एक लिख रहा हूं 3 को 2 का पावर 2-1 लिख सकते हैं. 2 का पावर 2-1 देखिए यहाँ दूसरा नंबर आप बोलिए 5 को कैसे लिख सकते? सर 7 को हम 2 to the power 3-1 लिख सकते हैं. 8 को 8 को 7 को 2 to the power 3-1 2 to the power 3-1 7 हाँ 2 का पावर 3-1 ठीक है. 2 पर पावर बढ़ा करके और माइनस 1 निकालने पर अगर प्राइम नंबर आ जाए दैट प्राइम नंबर इज योर एच. अब इसमें 2 का पावर 4-1 मत कर देना 15 हो जाए, प्राइम नंबर नहीं है. तो फाइंड ऑल ट्वेन प्राइम एंड मेसन्स प्राइम. वन से हंड्रेड के बीच में दोनों प्राइम को खोज के निकाल बाहर कर लो. 31 होगा हाँ 2 का पावर 5-1 ऐसा सोच सोच करके बना लेना बन जाएगा. गुड. आगे बढ़ते हैं. एक्सट्रीम नंबर्स. एक्सट्रीम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिससे आगे कुछ नहीं हो, मतलब जो अपने गली का सबसे आखिरी नंबर हो. एक्सट्रीम नंबर आप समझ गए होंगे प्लस माइनस इनफाइनिटी को बोलते हैं. द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ द नंबर लाइन. द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ द नंबर लाइन. अगला और क्या दिया हुआ था मैंने? अगला नंबर का नाम बताइए. स्क्वायर नंबर.
क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 16 आगे बोले 9, 3 का स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर उड़ीसा वगैरह में भी बहुत ज्यादा होता है वो कन्हैया, जन्माष्टमी आएगा तो जन्माष्टमी में, तो कृष्ण जन्माष्टमी में होता क्या है, वो दही हांडी के लिए बच्चे कुछ तैयार करते हैं और उनकी एक श्रृंखला होती है जो ऐसे कॉर्नर बनाते हुए ट्रायंगल बनाते हुए ऊपर पे चढ़ते हैं और फिर दही हांडी। इस पर हमने एक मैथ का नंबर लिया ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर नंबर में सबसे ऊपर एक ही होता और उसके नीचे दो होते और फिर वो खड़े होते हैं एक यहाँ और एक यहाँ, उसके नीचे अगर उनको खड़ा होना होगा तो फिर ये यहाँ एक एक की संख्या बढ़ती है, यानी पहले पायदान पर एक होते, दूसरे पर दो, तीसरे पर तीन, चौथे, उनकी पोजिशन भी ऐसे लगेगी। Am I right or not? Correct है? Yes. Yes, sir. ऐसे ही चलता है। ट्रेनिंग के सफल तो इसमें जितने बच्चों की जरूरत पड़ती है ट्रायंगल बनाने के लिए उसी को ट्रायंगुलर नंबर से हम डिनोट करते हैं। ये समझे, छोटे छोटे बॉल्स रख दिए मैंने तो सबसे ऊपर में कितना बॉल है, अगर ट्रायंगल एकदम पॉइंट के आकार का बनाना हो तो एक बॉल की जरूरत है, लेकिन अगर ट्रायंगल यहां तक का बनाना हो तो कितना बॉल चाहिए, जल्दी बोलिए, तीन चाहिए ना, तीन ट्रायंगल, तीन नहीं रहेगा बॉल तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, दो से नहीं बनेगा, तो तीन बॉल से ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके बाद आपको कितने बॉल चाहिए अगर ट्रायंगल यहाँ तक लाना है, कितना, छह, करेक्ट, यस सर, यहाँ तक के लिए तीन और दो पांच और एक छह बॉल चाहिए ना, ट्रायंगल कैसे तैयार पूरे बॉल छह, उसके बाद अगर और बड़ा ट्रायंगल बनाना हो तो दस, चार और बड़ा, अब इसे पांच जोड़ दो अगला बन जाए, इसमें छह जोड़ दो अगला बन जाए, राइट और नॉट, दिस इज द ट्रायंगुलर नंबर। सर इस पे वन क्यों है, वन पे तो ट्रायंगल नहीं बन सकता ना, क्या वन क्यों है ट्रायंगुलर नंबर पे, ये तो वन एक नंबर तो कभी ट्रायंगल नहीं बना सकते, एक नंबर पॉइंट ट्रायंगल है, पॉइंट ट्रायंगल का मतलब यह हुआ कि हमको उतना ही चाहिए, एक ही आदमी से मेरा काम हो जाएगा तो फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ समझ उसको पॉइंट ट्रायंगल की तरह अज्यूम कर रहे हैं, ये लेते हैं पहला नंबर यही है ट्रायंगल नंबर, दूसरा है टेट्राहेड्रल, सिग्मा ए आई होता है और ए आई जो है ट्रायंगुलर नंबर, ए
ट्राइंगुलर नंबर को सिग्मा करने पर जो नंबर मिलेगा वो टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर नंबर का सिग्मा यानी जोड़ता है। देखिए पहला ट्रायंगुलर नंबर वन है तो टेट्राहेड्रल भी वन, और वन और थ्री को जोड़ो कितना आया फोर, और यहाँ प्लस करते जाइए फोर। अब इस तीनों को प्लस करिए, छह को भी प्लस कीजिए टेन, टेन। अब टेन को बाद इस टेन को प्लस कीजिए ट्वेंटी, इसके बाद ट्वेंटी के बाद कितना को प्लस कीजिए, ठीक है। आपका टेट्राहेड्रल नंबर, टेट्राहेड्रल नंबर में कोई आपसे पूछ सकता है कि एट है क्या शामिल, नाइन है क्या नहीं है, टेन है, हाँ है, ठीक। नंबर्स आर नो नाइन टेट्रा, ठीक, नंबर्स आर नो नाइन ट्रायंगुलर नंबर, बहुत क्लियर है। कोई भी सिक्स क्लास का स्टूडेंट भी इसको फॉलो अप कर लेगा, और आप लोग तो ट्वेल्थ पास हो। फाइवन ए की नंबर मालूम है, फाइवन ए सी नहीं, फाइबोनाची नहीं ना मालूम है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम है? यस सर, एक्सप्लेन दिस, मैं कर रहा हूँ। फाइबोनाची मालूम है तो बता, करता है टीएन के लिए टीएन माइनस वन और टीएन माइनस टू जोड़ना पड़ेगा, यानी दो पीछे वाला नंबर जोड़ के आगे वाला बना सकते हो। यानी कि अगर किसी को टी थ्री चाहिए तो टी वन प्लस टी टू जोड़ना होगा, और टी टेन चाहिए तो क्या जोड़ना होगा, सोच के बोलो। टी टेन चाहिए तो टी नाइन प्लस टी एट, टी नाइन प्लस टी एट बिल्कुल करेक्ट, टी नाइन और टी एट जोड़ेगा, उसके पीछे का दो जोड़ेगा। और मान लो किसी को टी ट्वेंटी फाइव निकालना हो तो कौन कौन सा दो टर्म जोड़ेगा, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर टी ट्वेंटी फोर टी ट्वेंटी थ्री, ये बढ़ते हुए जाता है, ये एपी का सीरीज जैसा बढ़ता है, जैसे एपी में टी वन टी टू टी थ्री टी फोर जाता है ना, उसी तरह से ही जाएगा। लेकिन एपी जैसा नहीं, ये दो बाइक का सम होता है। तो दो बाइक का सम कैसे होता है वो मैं बताऊं। इसका पहला नंबर है वन और दूसरा भी वन, ये है टी वन ये है टी टू, ये फिक्स है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस। फाइबोनाची में वन और वन फिक्स है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा टर्म, टी थ्री T1 और T2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो T3 हमको क्या मिलने वाला, वन वन जोड़ो, ये तीसरा टर्म हो, और तीसरे और दूसरे को जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, उन दोनों को जोड़ो। मैंने बताया हर दो पीछे वाले को जोड़ के आगे वाला बनाओ, इसको जोड़ के ये बनाओ, इस दोनों को जोड़ के यहां लिखो, आगे क्या लिखो बोलो, इन दोनों को जोड़ो, फाइव, आगे एट, आगे थर्टीन, क्या होगा थर्टीन, एट फाइव होने की, आपसे कोई पूछे एट फाइव होने की है, यस, व्हाट, ऐसे से नंबर से होता क्या है कि कभी आपसे पूछ दिया जाएगा ना तो आप फंस जाओगे और शर्मिंदा महसूस करोगे, मुझे मालूम नहीं।
पाइथागोरियन प्रश्न। पाइथागोरियन प्रश्न, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब तीन नंबरों का समूह है जिसको पाइथागोरियन मैथमेटिक्स एक नाम दिया गया है मैथमेटिशियन के नाम पे। उन्होंने इसके आधार पे बताया था कि यहाँ 90 डिग्री होने के लिए उनको अगर नीचे ए बी और सी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ऐसा आपको एक ट्रिपलेट लेना, मतलब एक ट्रिपलेट है ए बी सी, यही ट्रिपलेट है। आपके पास कौन कौन ट्रिपलेट है स्टार्ट कीजिए। पहला ट्रिपलेट है 3 4 5 है कि नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा। अब ऐसे आप सोच के बोलिए दूसरा ट्रिपलेट कौन सा। टेल मी, सोचिए दे रहे हैं। 4 8 10 4 8 10 6 at 10 ये तो आप 3 4 5 में ही निकाल रहे हैं, दुगना कर दो, इसको 3 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर दो, ये कोई बात थोड़ी हुई, इसे हट के बताओ। Yes, sir. मिला कुछ? 5 12 13 कितना? 5 12 13 5 12 और 13 करेक्ट है, 5 12 और 13। चलिए आपके लिए टास्क का 1 to 100 में कितना पाइथागोरियन ट्रिपल है, बस ऐसे कुछ सवाल जिससे कि आप भी खोज पाइए और फिर हम देख पाएंगे कितने ट्विन प्राइम है, कितने मेसन्स प्राइम है और कितने पाइथागोरियन, और भी कुछ देने वाले। आइए बताइए और कौन कौन सा नंबर बच गया। सभी नंबर हो गए या कुछ बच गया? सर परफेक्ट नंबर। कौन सा? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर और कोई? कौन सा? परफेक्ट। परफेक्ट नंबर आपके पास में अभी बच गया है तो परफेक्ट नंबर पर हम काम कर रहे हैं। The sum of all proper factors, the sum of reciprocal of all proper factors is 1, called perfect number. The sum of reciprocal of all proper factor is 1.
जैसे कुछ मान लीजिए कुछ हम कर रहे हैं, जैसे 10 लिया, 10 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 1 का नहीं, 1 तो प्रॉपर फैक्टर नहीं है, केवल प्रॉपर फैक्टर का रेसिप्रोकल कीजिए, इसका सम कीजिए, छोड़िए, ये 1 नहीं आया ना, 7/10 इज कमिंग नाउ, ठीक 7/10 is coming. 1 is not coming. अगर ये 1 आ जाता तो ये perfect number होता. 10 is not perfect. Note कीजिए. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगला एग्जांपल, सिक्स का फैक्टर बोलिए. सिक्स का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है. इसका रेसिप्रोकल करिए 1 छोड़कर और जोड़िए. वाह नाराज. आपने जोड़ लिया और देखा कि यहाँ पर कैसे 1 आ रहा है, यानी कि 6 इज परफेक्ट था. हमारे मैथमेटिशियन ने बहुत सोच समझ के बहुत जादू इसके दिखाए नंबर्स के. उन्होंने कहा नंबरों में ऐसा ऐसा रिलेशन पाया जाता है तो वो देखकर आश्चर्यचकित कि कुछ कुछ नंबर्स अजीब टाइप का रोल कैसे प्ले कर. अब 6 को ही देख लीजिए. अब 6 के बाद खोजने की बारी आपकी है. 6 के बाद क्या आप मुझे खोज कर दे सकते हैं अगला नंबर? संभावनाएं बनती हैं. जल्दी चलिए आज का सवाल. सर्च ऑल परफेक्ट नंबर बिगर देन 100. और कोई नंबर बचा हुआ नहीं है ना? कौन सा? आसान नहीं था क्वेश्चन. फंक्शन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको लेना है डोमेन. दूसरा चीज उनको बताना है को डोमेन. वो डोमेन जैसे कहीं पर फंक्शन दिया रहेगा कि फंक्शन जो है एफ ए से बी में जाना है तो डोमेन ए हो जाएगा और वो डोमेन बी हो जाएगा. वो रेंज नहीं हुआ, वो डोमेन हुआ. इस रेंज फंक्शन में जो दोनों तरफ दिए गए रहते हैं कहा से कहां तक जाना है तो डोमेन पहले लिखा रहता है, रेंज बाद में लिखा रहता है. यानी कि फंक्शन में इधर ये होता है, इधर भी ये पूरे का पूरे
डोमेन है पूरे का पूरे रेंज, रेंज नहीं वो डोमेन, और यहाँ विशेष फंक्शन बन गया। अगर कोडोमेन नहीं दिया है ऑल रियल नंबर मान लेना है। आई रिपीट अगेन, अगर नहीं दिया है ऑल रियल नंबर मान लेना। रेंज को आर से, आर एफ रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन को डी एफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑन टू है कि इन टू, ये आपको बताना पड़ेगा। और ऑन टू और इन टू होने के लिए आपको एक विकसित करनी पड़ेगी प्रणाली क्या है। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है, इक्वल है, तो ऑन टू है। इसका मतलब इधर जितना है सब रेंज बन गया, ये ऑन टू है, यानी कि इधर सब कुछ जितना भी था एक दो तीन चार सब का सब रेंज बन गया। और अगर आपका रेंज सबसेट है कोडोमेन, सबसेट समझते हैं या नहीं, थोड़ा तो बोलो। यस सर, सबसे यानी सेट से छोटा। अगर आपका यहाँ चार पांच है और यहाँ रेंज में एक ही दो आप लेकर आ रहे हैं और बच जा रहा है कुछ, तो ये सबसेट हो गया रेंज वो डोमेन का, और ये हुआ इनटू फंक्शन। आपको यहां से मिला लेना है इस दोनों से, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑन टू, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इन टू। आगे बढ़े, वन वन मेनी वन, चार नंबर में एक और चीज है। अगर किसी का ग्राफ y एक्सिस पर एकदम नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक, ये ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर हो गया। जब रेंज ऑल रियल नंबर है तो कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर बराबर हो, ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। वन वन मेनी वन फंक्शन, ग्राफ में या वन वन फंक्शन, जब एक से एक लाइन खींचने पर एक जगह कटती है, और मेनी वन फंक्शन जब कोई लाइन मुड़ती है, मुड़ती है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बनाएगा, या फिर लाइन ऐसे होगी तो कहीं ना कहीं मिनिमम बनाएगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम बनाएगा इसका मतलब कि जो लाइन गुजरेगी वो दो जगह कट करेगा 100%, और ये मेनी वन होगा ही होगा। ये वन 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 है, वन वन मेनी वन का पहचान मैंने कुछ लिखा है, अब
अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है, एफ एक्स वन यानी क्या, रेंज या डोमेन क्या है, टेल मी सर। रेंज रेंज बिल्कुल, ये वाई वन है सर। तो जब दो रेंज इक्वल हो जाए, यानी ये देखिए दो रेंज इक्वल हो गया और x1 और x2 इक्वल हो जाए, वन वन हो जाए, और x1 और x2 इक्वल नहीं हो वहां, यानी दो रेंज इक्वल हो लेकिन डोमेन इक्वल नहीं हो। देखिए दो रेंज की ऊंचाई एक है लेकिन क्या डोमेन की ऊंचाई अलग अलग हो रही है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, डोमेन की ऊंचाई अलग अलग हो रही है ना, एक यहाँ डोमेन है एक यहाँ है, तो डोमेन बदलने पर और रेंज सेम रहने पर, मेनी वन डोमेन नहीं बदले और रेंज रेंज बदले लेकिन डोमेन सेम ही रह जाए, तो फिर तो ऐसे लोग चेक कर लेते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, सर। सर आप जो ऑनटू फंक्शन का जो ग्राफ बना है वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए, वो किस समझ में नहीं आया, फिर से बोल दीजिए। सर जो ऑनटू फंक्शन को पहचान के लिए आप जो ग्राफ बना है वो थोड़ा, ये हाँ ये सामने ग्राफ है ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन की ग्राफ अगर नीचे से ऊपर तक जा रही है, कोई भी ग्राफ अगर एकदम नीचे से ऊपर तक जा रही है तो ऑनटू फंक्शन हो ही जाएगा। ऑनटू का मतलब क्या होता है, जब सारे के सारे को डोमेन रेंज हो जाए, यहाँ तो सब रेंज ऑल रियल नंबर, यानी रेंज में से कुछ काटना है ही नहीं, ठीक है। अब आपको एक चीज चेक करने के लिए दे दिया जाएगा, कौन सा, जैसे कि कहेगा चेक वन वन है या मेनी, एक्सेस वन। आपको करना क्या है, आपको चेक करने के लिए ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से चेक हो जाएगा, ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, मेनी वन है तो वन वन, देखिए मेनी वन है, मेनी वन मेनी वन, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं एनालिटिकली, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करके, एफ एक्स वन यहाँ एक्स वन डाल दीजिए, थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस फाइव, थ्री एक्स टू स्क्वायर प्लस फाइव, फाइव फाइव कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स वन, अगर इसको जीरो करते हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू, और इसको जीरो करते एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। देखिए जब एक से ज्यादा आंसर आ जाए तो इसमें आ जाता है, यानी एक इक्वल दे दिया एक नॉट इक्वल दिया तो नॉट इक्वल ले दिया, मेनी वन, ये मेनी वन की पहचान है, एक नॉट वाला लागू हो जाए, दूसरा कभी दिखाते पहले नॉट। आपको करना क्या है कि ये फार्मूला लागू करना है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, किसी भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ग्राफ से भी बना सकते हैं, बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं, बहुत बार ग्राफों को नहीं बनाने में आता है, समझ में नहीं आता ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप ऐसे बना सकते। एक और मैं बना के दिखा रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा। हाँ
इससे आएगा x1 equal to x2, इसको जीरो लेंगे तो इसको जीरो लेंगे तो ये आएगा, तो दो दो आंसर आ रहा है ना, एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, मेनी वन को कंफर्म कर रहा है, मेनी वन यानी एक से ज्यादा आंसर, एक इक्वल आएगा एक नॉट इक्वल, और इक्वली केवल आए तो समझिए वन वन गया। जैसे कि अभी हम आने वाले हैं देखते जाइए। टू एक्स माइनस थ्री कहता है इसको चेक करके बताओ वन वन है कि मेनी वन, डेरी आसान है fx1 बराबर fx2, अरे 1 1 है यहां, x1 लिख दीजिए 2x1 minus 3 2x2 minus 3 3 cancel, 2x1 equal to 2x2, x1 equal to x2, 1 1 आया कि मेनी 1 1 1 क्या है, सिंपल है ये से काफी आसान, मतलब आप छुट्टियों में ऐसे सॉल्व, अगर ग्राफ नहीं आता वो भी बना लेंगे, और नहीं तो आप फिर ग्राफ में ढूंढना पड़ेगा आंसर, तो किसी को भी ऐसा करने की परमिशन रहेगी। पांच, तो अभी तक हमने पांच प्रॉपर्टी के बारे में बताया, क्योंकि अब ग्राफ हम चलने वाले हैं और चलने वाले हैं फंक्शन वन बाई वन, तो पहले प्रॉपर्टी का दर्शन कर ले उसके बाद आगे का दर्शन करेंगे। प्रॉपर्टी के बाद सिक्स प्रॉपर्टी, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, ये आपको ध्यान देना, पीरियोडिक लेना है कि नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक लिया पीरियोडिक में एंट्री लेना पड़ेगा, वो तो आपको जानते ही है, fx बराबर fx plus t, यानी एक खास टाइम के बाद डोमेन डालने पर फिर दोनों f बराबर हो जाए, यानी दोनों रेंज बराबर हो जाए, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि कहने का मतलब x के पास इतनी ऊंचाई हो और x plus t के पास भी उतनी ही ऊंचाई है, और ठीक टी टाइम बाद x प्लस टू टी के पास भी इतनी ही ऊंचाई है, x प्लस एन टी के पास भी इतनी ही ऊंचाई है, तो पीरियोडिक, बार बार उस ऊंचाई को ठीक टाइम के बाद होल्ड कर रहा है, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एन टी भी हो जाएगा टेज टाइम, फर्स्ट टाइम के बाद वही ऊंचाई होती है तो पीरियड, सेवन पीस वाइज या यूनिफॉर्म, आपको दुखना है कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है या एक जैसा चल, इस पीस में बटा हुआ ग्राफ है, आठवां कंटिन्यूअस, इस वाइज यूनिफॉर्म अलग अलग चीज है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एकदम अलग है, नाइन नंबर इवन है या ऑड है या नाइदर है, इवन ऑड तो सबको बता ही दिया है, अगर दोनों तरफ एक जैसा बन रहा है ऐसा इवन, ये धनुष का चित्र बनाती है,
और राम मंदिर का उद्घाटन भूमि पूजन इधर नॉट ना इधर हेवन इधर और इतना बढ़िया मतलब ये और मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ से ऐसे हो रहा है तो फिर ये यहाँ से ऐसे हो इवन फंक्शन हमेशा मिनिमल हो। अब इसका उल्टा मत समझिए कि मिनिमल होगा तो इवन होगा, गलत। इवन होगा तो मिनिमल 100% होगा। इवन फंक्शन कभी 1-1 हो ही नहीं सकता। और दसवां प्रॉपर्टी MI या MD या कॉन्स्टेंट अगली क्लास से हम लोग युद्ध जीतने वाले एकदम समर में प्रवेश हो जाए। MI MD तो सबको मालूम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने बता दिया है इंक्रीजिंग में f dash x greater than 0 होता है डिक्रीजिंग f dash x less than 0 होता है इसका डिफरेंशिएशन 0 जब भी किसी का स्लोप greater than 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ बढ़ेगा जब स्लोप उसका लेस देन जीरो होगा तो नीचे की तरफ और जब जीरो हो जाए तो ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी यही है। तो ये 10 प्रॉपर्टी नाउ फ्रेंड्स आज की समरी को यहां मैं समेटता हूं सभी नोट कर लेंगे हो जाएगा मुझे बताइए सर एक मिनट सर आप जो इवन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस या फिर इवन और नेदर इवन नॉर और इसको जो ग्राफ देखकर हम लिख रहे हैं सर हम कैसे जाने कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में क्या बोल रहे हैं कैसे जाने कंटिन्यूअस यानी कि जो विदाउट लिफ्टिंग पेन पेन को बिना उठाए अगर आप ग्राफ बिगिनिंग से एंड तक बना देते हैं दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आपको बीच में पेन को लिफ्ट करना पड़ता है उठाना पड़ता है तो वो है डिसकंटीन्यूअस ग्राफ यानी ग्राफ टूट गया सर ये सब हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तभी जान पाएंगे ना मेरे ग्राफ का प्रॉपर्टी है फंक्शन का फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तब तो ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाते ही सब प्रॉपर्टी खुल के आती है आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसका फिर फोटो देते हैं जब फोटो चिपकाते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज निकाल कर दे रहे हैं आपको ये ऐसा है ऐसा ऐसा तो ग्राफ का ये 10 प्रॉपर्टी जो आपको एकदम याद रखना है जब भी हम ग्राफिंग करेंगे फंक्शन बनाएंगे ये 10 प्रॉपर्टी 1 by 1 डाउन ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं इनवर्स पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट लिस्ट और पार्ट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं ये सारे जो पढ़ दिए उसको हम अब छोड़ देंगे हम लोगों ने जो जो नहीं पढ़ा जैसे स्क्वायर फंक्शन क्यूब फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन सिग्नम फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन तो ये सब जो जो फंक्शन हम लोगों ने अभी तक अधूरा छोड़ रखा है उस सारे फंक्शन को हम लोग देखने वाले और उन फंक्शन पर ये एक्सप्लेनेशन लेंगे कि कैसे काम करना और उसके बाद हम ग्राफ क्योंकि ग्राफ पर आना इतना ईजी फॉर्मिंग नहीं है उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा ये सब फिनिश करेंगे अब ये फिनिश होने के बाद थोड़ा सा हमको आना पड़ेगा इसके बिफोर में हो सकता है कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पीरियोडिसिटी को खत्म क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन बीच बीच में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम क्या डालें तो हम पीरियोडिक फंक्शन फिनिश ही कर देंगे दुनिया का कोई भी पीरियड उसके बाद चलेंगे ग्राफ ग्राफ अंतिम लक्ष्य होगा और सबसे अंतिम लक्ष्य होगा डोमेन और बस वो फिनिश उस दिन पूरा ओके हैव अ नाइस डे गुड नाइट बोलिए
थैंक यू सर। हम प्राइम नंबर पे क्यों वन को नहीं ले रहे हैं? क्या बोल रहे सर? हम जो प्राइम नंबर पे वन को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? अच्छा, प्राइम नंबर को वन पे क्यों नहीं? एक्चुअली वो क्या रहा है कि प्राइम नंबर हम बोल रहे हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको हम कहते हैं। हालांकि वन में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर की हम जो शुरुआत करते हैं वो वन को छोड़ के ही करते हैं। सबसे इनिशियल से ही ये फेज माना गया है, क्योंकि वन को फैक्टराइज आप कैसे करें? One into one. One के पास आपका इसमें क्या हो रहा है, टू में एक कॉमन फैक्टर है, एक प्रॉपर फैक्टर, तो फैक्टराइज कर दो। वन में आप क्या करेंगे, दोनों कॉमन फैक्टर को लेकर तो बाकी सबसे डिसिमिलर हो जा रहा है। इस डिसिमिलरिटी को ध्यान में रखकर तो इसको हटा, और अब मैं यही बोलूंगा आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक है वहां फोकस हो, क्योंकि आपके पास जो ब्रेन है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो ब्रेन को डेविएट करके दूसरे साइड में लगाते हैं, वहां से उनको बाद में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट वाइज नॉलेज उनके पास हो नहीं आते, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के वो सोचना चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो। अब आप बोलेंगे सर्कल गोल ही की, तो आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे फिर नहीं। तो ऐसी ऐसी तमाम सवाल है जो एकदम फंडामेंटल पे क्वेश्चन, हम लोग भी पढ़ते थे जब, तो फंडामेंटल पे क्वेश्चन उठाया टीचर ने सीधा डांट, बोले आपको रिजल्ट लेना है या नहीं लेना, अगर लेना है तो फंडामेंटल पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, फंडामेंटल के बीच में जो प्रोसेस है उस पे क्वेश्चन करेंगे। इफ यू आर नॉट फॉलो द प्रोसेस, इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग कैलकुलेशन, तो जस्ट टेल मी, क्योंकि फंडामेंटल से ही तो हम सिखा रहे हैं, और उस पर ही क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हमारे पास परेशानी बढ़ जाती है। अब जिन्होंने प्राइम नंबर बनाया होगा उनके दिमाग में कुछ चला होगा, तो आप बोलेंगे इसको ट्रेंगुलर नंबर ही क्यों बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक ट्रेंगल का हमने समझाया आपको उस तरीके से, एक्चुअली वो उसका डिफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ नंबर कॉमा करके दिया हुआ ये ट्रेंगुलर हमने समझा दिया। ऐसे लड़के अब आप बोलें एक को क्यों ले लिया, एक तो ट्रेंगल नहीं बनाता, आप अपने जगह पे सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको उस जगह पे जाना होगा जो व्यक्ति ने ट्रेंगुलर बनाया होगा, और वो मिलता नहीं है। कोई गूगल का क्वेश्चन ही नहीं है कि आपने डाल दिया और वहां से मैं आंसर ले। तो मैं समझता हूँ सबको एडवाइस करूंगा हर स्टूडेंट कि आप पहले अपनी एक एबिलिटी बना लीजिए, अब फिर रिसर्च कीजिए अगर आपको रिसर्च करना है, और पहले एक योग्यता है बीटेक एमटेक आप कर लो और थोड़ा जानकारी और नॉलेज ले लो, हो सकता है आगे की क्लास में और कुछ बेहतरीन नॉलेज ले। तो मैं वहां फोकस कर रहा हूँ जहां से लेकर आपको मैं आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते चला, लेकिन थ्रू आउट फंडामेंटल पे क्वेश्चन, मतलब जहां से हमको शुरू करना है, आपने बोला कि यही गलत होगा तो वो गलत होगा, तो गलत है, सब गलत है, वहां पे सवाल करके नहीं बढ़ सकते, और वहां पे उतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम को ध्यान दें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले निश्चित रूप से। ये सब सवालों के लिए क्या होता है ना, अलग से टाइम ले लीजिए आप हमसे, फेस टू फेस कभी बैठेंगे तो बात कर सकते हैं, हम भी कुछ उसमें अपना जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर कर लेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो नहीं हो वो कोई बात नहीं है, आपस में आदान प्रदान हम कर सकते हैं कि आप मैं मेरे पास ये नॉलेज है इस संबंध में ये चीज, कोई और कुछ और बता, चूंकि फंडामेंटल पर सवाल इसी में था, एक फिजिक्स में द लाइट रे व्हाई इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन, वो सर्किल में क्यों नहीं जाती। अब ये सवाल फिजिक्स के टीचर से एक व्यक्ति ने कर दिया और वो डांटे भी सर, लेकिन उनका लाजमी तो उन्होंने बोला कि सवाल बहुत सारे हो सकते हैं उलझ जुड़ चीजों के, मतलब आप गार्जियन पर सवाल कर सकते, फादर मदर पर भी कर सकते, कुछ पर भी, कुछ भी, लेकिन सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाए, आप पहले एक कैलकुलेशन कीजिए और अपने द्वारा चिंतन कीजिए, वहां से आपको निकल के आएगा सामने। हमारा मेन मकसद है JEE, और JEE में ये सब सवाल नहीं है, JEE को जाने का जो रास्ता है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, वहां झाड़ू को मार, आप बार बार मुझे पीछे लेके आएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मैं समझता हूँ, hope that you must be clear the year once.
यस सर।